से पागल हो गई। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रिया एक बार आवाज देख लेके। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको लेकर आई हूँ नेहरू कॉलोनी के फूडी एक्स आउटलेट में। सो अभी इनकी ओपनिंग को अराउंड 1 मंथ हो गया है और बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर सजेस्ट करा है यहाँ पर जाओ और इनके लौकी के मोमोज ट्राई करो। तो मैंने बोला वाई नॉट, मेरे घर के बहुत ही पास है नेहरू कॉलोनी। हमारा ये वीडियो शूट कर रही है फूडी सोल आकांक्षा बेस्ट और हमारे साथ है यहाँ पर कनुप्रिया, नॉट अनुप्रिया। हेलो हमारी ऑडियंस को, हेलो बोलो। हाय गाइस, इस चैनल पर पहली बार एक नया और चेहरा दिख रहा है आपको, आगे और दिखता रहेगा। तो चलते हैं और ऑर्डर करते हैं। ओके कम। मेन्यू में प्राइस देख सकते हैं हर डिश के आगे, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आपको आउटलेट में बोलूंगी। और हम यहाँ पर ट्राई करने वाले, हमने ऑर्डर दे दिया है मोमोज का, पाव भाजी का और बड़ा पाव का। तो सबसे पहले हम मोमोज ट्राई करेंगे, फिर पाव भाजी और फिर बड़ा पाव। तो चलिए ट्राई करते हैं और आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इस बार। और बारी करिश्मा और मैम कई बार आपको पता है फेक कर देते हैं, बट इस बार ऑनेस्ट देंगे। बाकी नेहरू कॉलोनी में है तो आप लोग इजीली आ सकते हो इधर, क्योंकि इसको फूड हब भी बोला जाता है इस पूरे एरिया को। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं हमारी लौकी के मोमोज और ये मोमोज इतने ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे कि मैंने 2 मोमोज ऑलरेडी पहले खा चुके हैं। यहाँ पर आपको 30 रुपीज के हाफ मोमोज मिलते हैं और 50 के फुल। साथ में आपको मिलती है रेड चटनी और प्याज। चलिए ज्यादा नहीं बोलते, मेरे मुंह में भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। फिलिंग आप देख लीजिए, इसके अंदर लौकी की फिलिंग है, काफी जूसी लग रहे है गाइस, लेट्स ट्राई। तो ये रही हमारी रेड चटनी साथ में प्याज। चटनी बहुत ज्यादा स्पाइसी है, लाइक मोमोज के लिए परफेक्ट है क्योंकि इनकी फिलिंग जो है, अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते हैं तो नॉर्मल है, बट चटनी बहुत ज्यादा स्पाइसी है, लाइक मेरे लिए परफेक्ट है, मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी खाती हूँ। मजा आ गया। यहाँ पर आकांक्षा फूडी सोल जो ट्राई करी है फ्राइड मोमोज, लौकी के फ्राइड मोमोज। आकांक्षा कैसे हो रहे मोमोज? तो एनर्जी के साथ बोल, खाने तो दो। अच्छा, जो फिलिंग है उसमें सिर्फ आपको मिलेगा लौकी विद लौकी एंड वो जूसी टेक्सचर भी दे रहा है एंड इट इज लाइक रियली नाइस। वैसे मुझे स्टीम मोमोज ज्यादा पसंद है। कुछ भी बोलो, इनकी चटनी मुझे बहुत पसंद आई और ये मोमोज भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मतलब सच में बहुत अच्छा है लिटरली गाइस। अभी हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बट हमें अब कंटेंट भी शूट करना है बट खाना भी है, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं, इसमें बोल कम रहे हैं। और मेन बात जो उनकी ओनर है वो 2 वुमेन है, हाँ। सो गाइज, आज जो बड़ा पाव का रिव्यू देने वाली है वो फर्स्ट टाइम लाइफ में बड़ा पाव खा रही है। हैं व्लॉगर्स, फूड व्लॉगर्स को देखिए एक्टिंग। सीरियसली बोल रहा हूं, फूड व्लॉगर भी नहीं होना कुछ है। फर्स्ट टाइम खा रहा हूं, मुझे सीरियसली बहुत टेस्टी लगा है। नहीं एक्सप्रेशन जूसी तो नहीं है। अच्छा, चलिए एक चैलेंज है, इस मिर्ची के साथ खाना है इसको? नहीं, मैं मिर्ची खा सकती हूँ, थोड़ा हमारा व्लॉग भी स्पाइसी बन जाएगा। मैं भी चाय के साथ सच्ची में बहुत जाएगा, बड़ा पाव ड्राई होता है, ये वैसे ही ड्राई है, चाय के साथ बहुत मस्त रहेगा ये, स्पाइस टॉलरेंस भी सही है। इट मीन्स हमें ये खाने के लिए चाय ऑर्डर करनी पड़ेगी, ऐसे भी खा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। हाँ,
काफी टेम्पटिंग सी मैक्रोनी आ चुकी है और रिव्यू देगी हमें आकांक्षा, मुझे काफी यमी लग रही है। कैसी हो रही है मैक्रोनी? इट्स ओके मैम। कैसी हो रही है मैक्रोनी? तो गाइस आकांक्षा अक्सर सिर्फ अपने चैनल पर ज्यादा बोलती है, अभी मेरे चैनल पर नहीं बोल रही, तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ, मुझे मैक्रोनी कैसी लग रही है। सो लेट्स ट्राई, इसमें काफी ज्यादा वेजीज, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, बोले डाले इसमें काफी वेजीज भरी हुई है, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर। मैक्रोनी भी अच्छी है बट मोमोज मुझे ज्यादा पसंद आया। पाव भाजी, मैं तो देखो पाव भाजी की ज्यादा बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बट आकांक्षा हमको बताएगी हर कुछ, वैसे आकांक्षा बता रही है बट मेरे को इसके टेस्ट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ या तो कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। ये पता है क्यों कर रही है सब कुछ, ये सब पीआर एक तरह है, वो मुझे कैसे भी कुछ भी करो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने। यस गाइस, तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ओके डीसेंट, मैं थोड़ा डीसेंट नाइस एंड रियली वेरी अफोर्डेबल। क्या प्राइस है? इट इज जस्ट रुपीज 70 रुपीज का है और ये पूरा एकदम ही डीसेंट प्राइस है, डीसेंट प्राइस है, डीसेंट टेस्ट है। हाय गाइस, तो आप लोग को यहाँ पर मोमोज कैसे लगे? गजब बेइज्जती है। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? दीदी के चीज वाले मोमोज सब बहुत अच्छे हैं। हाँ? और चीज वाला बर्गर, डबल चीज वाला बर्गर बहुत अच्छा है, कोल्ड कॉफी भी बहुत अच्छी बनाती है, सब चीज बहुत अच्छी है, मैक्रोनी भी बहुत अच्छी बढ़िया लगती है। और गाइस आपको, आप लोगों को क्या पसंद आया? सारी चीजें बहुत स्पाइसी बनाते हैं दीदी, मजा आता है इस पर। क्या समझ रहे हो? सब कुछ। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पर आते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और हमें डिस्काउंट दिलाते रहिए। हाँ अभी इसको बर्थडे डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ ये देख, ठीक है गाइस बाय, थैंक यू सो मच कंटेंट देने के लिए, थोड़ा हंस लो यार सबके सब, बाय बोल दो एक बार, ऊंचा हाथ करो ना, बाय। सो गाइस फाइनली हमारा पेट भर चुका है, बहुत ही यमी यमी फूड हमने यहाँ पर खाया और बहुत ही प्यारे कस्टमर भी हमें यहाँ पर मिले, और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है इनके मोमोज, वेज मोमोज और फ्राइड मोमोज भी, वैसे यहाँ पर बहुत सारा आइटम है इनके मेन्यू में, तो अगर आप लोग यहाँ इधर लोकल हो या फिर कहीं से भी हो तो नेहरू कॉलोनी तो वैसे ही मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है, काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर सारे आइटम मिल जाएंगे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मेन बात है कि टेस्ट, और जो यहाँ पर ये चला रही है ये आउटलेट, यहाँ पर दो दीदी लोग हैं जो कि काफी स्वीट है, सीरियसली वो काफी स्वीट है और जो ओनर है, जो दो दीदियां है वो चला रही है, वो काफी हम्बल है, तो आप यहाँ पर आकर अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल प्लीज फॉलो कीजिए।